नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई दिन सोमवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से शुरू हो रहा सावन, जाने सावन माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व। आज से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र। राज्य में एक दर्जन से अधिक पुल की हालत खराब, सर्वे में हुए कई खुलासे। बिहार में आई एक और बड़ी आईटी कंपनी, बियाडा ने उपलब्ध कराई जमीन। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आधार सीडिंग अनिवार्य। इस आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ऑनलाइन राशन कार्ड। हरमनप्रीत और ऋचा घोष की तूफानी पारियों के दम पर महिला क्रिकेट टीम ने यूएई पे की शानदार जीत। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकाली भर्ती। रेलवे द्वारा 2424 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट https://rrccr.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जरूरी है कि आपने 50% अंकों के साथ 10वीं पास किया हो। साथ ही संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र प्राप्त किए हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से किया जाएगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट अधिसूचना को देख सकते हैं। आज से शुरू हो रहा सावन, जाने सावन माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व। आज 22 जुलाई से भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन का आरंभ होने जा रहा है। सोमवार को आरंभ होने जा रहे श्रावण महीने का अंत 19 अगस्त को होगा। बता दें कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस महीने में भगवान शंकर की हर्षोल्लास से पूजा करते हैं। श्रावण महीने में महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में सोमवार का व्रत रखने और भगवान शंकर की पूजा करने वालों को मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस बार सावन महीने में 5 वर्ष बाद 5 सोमवार का अद्भुत संयोग बन रहा है, जिसमें 2 कृष्ण पक्ष और 3 शुक्ल पक्ष में होंगे। बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन महीने में ही समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की थी और विष के प्रभाव को कम करने के लिए उन्हें देवी देवताओं ने जल अर्पित किया था। इस वजह से शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक श्रावण महीने में भगवान शिव की पूजा, महामृत्युंजय मंत्र, जाप और अभिषेक इत्यादि से बीमारी, रोग, शोक, कर्ज से मुक्ति मिलती है। आज से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र। आज यानी 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। आज सोमवार से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र के दौरान दोनों सदनों में 5-5 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति को सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। इसके बाद 23 और 24 जुलाई को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा 23 जुलाई को ही विधान परिषद में गैर सरकारी संकल्प भी पेश होंगे और 24-25 जुलाई को राजकीय विधेयक सदन में लाए जाएंगे। 25 जुलाई को विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और वोटिंग होगी। इस दौरान विनियोग विधेयक पर भी मुहर लगेगी और सत्र के आखिरी दिन 26 जुलाई को सदन में गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे अहम शर्मा के बारे में। ये एक भारतीय अभिनेता हैं। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1889 में बिहार में हुआ था। इन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि महाभारत में कर्ण के किरदार से मिली। इनके और भी कई प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम रहे, जिसमें ब्रह्म राक्षस में ऋषभ श्रीवास्तव की भूमिका और विक्रम बैताल की रहस्य गाथा में विक्रमादित्य की भूमिका शामिल है। इसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें करले प्यार करले में जस की भूमिका, धूप छांव, शक्ति, एक्टिंग का भूत आदि शामिल है। बिहार में कांवरिया पथ पर पर्यटन विभाग ने की खास तैयारी। बिहार में आज सोमवार से शुरू होने जा रहे श्रावणी मेला 2024 को देखते हुए इस साल कांवरियों की सुविधा के लिए 4 जगहों पर 1200 बेड की टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। बांका के अबरखा में 600 बेड और मुंगेर के खैरा में 200 बेड के अलावा इस साल पहली बार भागलपुर के सुल्तानगंज और धोबई में भी 200-200 बेड की टेंट सिटी बनाए गए हैं। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर कांवरिया पथ पर 12 अस्थायी पर्यटक सूचना केंद्रों का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा पटना के पर्यटन मुख्यालय में 24 घंटे टोल फ्री कॉल सेंटर 1800-3097677 का संचालन किया जाएगा। जाने कैसे बना सकते हैं 5 साल से कम उम्र के शिशुओं का बाल आधार कार्ड।
भारत में आधार कार्ड का एक अहम दस्तावेज है जो हर भारतीय के पास होना अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी सरकारी काम होना एक प्रकार से असंभव है। आधार कार्ड का अब छोटे बच्चों के पास होना भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब स्कूल में दाखिले के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है। आधार कार्ड बनाने की कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा है कि नवजात शिशु का भी आधार कार्ड बनवाया जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार 5 साल के कम उम्र के बच्चों का बाल आधार कार्ड बनवाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है। खास बात यह है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों का बाल आधार कार्ड बनाने के लिए बायोमेट्रिक भी नहीं ली जाती है और रेटिना भी स्कैन नहीं किया जाता है, मगर 5 साल से अधिक उम्र हो जाने के पश्चात बच्चे का फिर से आधार कार्ड बनवाना पड़ता है। बाल आधार कार्ड बनवाने के लिए UIDAI के आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर विजिट कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राज्य में एक दर्जन से अधिक पुल की हालत खराब, सर्वे में हुए कई खुलासे। पिछले दिनों बिहार में लगातार एक के बाद एक करके 12 से अधिक पुल के धराशाही हो जाने के बाद नीतीश सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी और सभी विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर जमकर हमला बोला था। वहीं इस घटना के बाद अब नीतीश सरकार द्वारा राज्य के पुलों का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए राज्य के सभी पुलियों का सर्वे करवाया जा रहा है। आज तक के हुए सर्वे में कई चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए हैं। अब तक हुए पुलों के सर्वे में 12 से अधिक पुल पाए गए हैं जिन्हें मरम्मत की तत्काल जरूरत है। इसमें देरी होने की परिस्थिति में फिर से कोई अनहोनी होने की संभावना है। पुल ध्वस्त होने के साथ ही जान माल को भी खतरा हो सकता है। हालांकि जर्जर स्थिति में पाए गए दर्जन भर पुलों को बचाने के लिए पथ निर्माण विभाग इनकी मरम्मत की प्रक्रिया में जुट गया है। बता दें कि अब तक 800 से अधिक पुलों का सर्वे कार्य पूरा हुआ है। वहीं इस माह के अंत तक राज्य के सभी 1700 पुलों का सर्वे कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार में आई एक और बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी बियाडा ने उपलब्ध कराई जमीन। एशिया में डेटा सेंटर के क्षेत्र में बड़ी कंपनी के रूप में सुमार कंपनी कंट्रोल एस अब बिहार पहुंच गई है। पटना के पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में बियाडा द्वारा इस कंपनी को 1 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाया गया है। बता दें कि कंट्रोल एस कंपनी को डेटा सेंटर व क्लाउड कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल है और ये पहला ऐसा अवसर है जब इस क्षेत्र में काम कर रही कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी ने बिहार में अपना काम आरंभ किया है। कंट्रोल एस कंपनी के देश में 15 से अधिक डेटा सेंटर हैं। ये फॉर्च्यून कंपनियों की सूची में शामिल 20 और 100 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी सेवा उपलब्ध करवा रही है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा अब जब से आईटी सेक्टर की कंपनियों को बियाडा के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, तब से ही बिहार में आईटी कंपनियों ने दिलचस्पी लेना आरंभ किया है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे नवलखा पैलेस के बारे में। ये पैलेस राजनगर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार के मधुबनी के पास राजनगर में स्थित है। इसका निर्माण दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा करवाया गया था। इसकी नक्काशी देखते बनती है। इसका काली मंदिर हाथी दांत और सफेद संगमरमर से बना है, जो ताजमहल जैसा दिखता है। पोर्टिको में सीमेंट से बने 4 हाथियों पर खड़े मेहराब हैं और कथित तौर पर ये भारत में पहली सीमेंट संरचनाओं में से एक है। सबसे पुरानी जीवित मिथिला पेंटिंग महल के गसौनी घर में पाई जाती है। महाराजा की बेटी की शादी के अवसर पर 1919 में निर्मित महल के बहुत कम लिखित या फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आधार सीडिंग अनिवार्य। आधार सीडिंग करवाना सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यदि बच्चों का आधार सीडिंग होता है तो सरकारी योजनाओं का लाभ इन बच्चों तक पहुंचाने में आसानी होगी। साथ ही जिन बच्चों का स्कूल में दोहरा नामांकन करवाया गया है वे भी आसानी से पकड़ में आ सकेंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने भी सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश जारी करते हुए उन्होंने बताया है कि बच्चों के आधार कार्ड बनवाने में उनके अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 2 आधार केंद्र काम कर रहे हैं। दोनों ही आधार केंद्र पर हर प्रखंड के 2 अलग अलग स्कूल में चल रहे हैं। अब तक सरकारी स्कूलों के 67% बच्चों के आधार कार्ड बन चुके हैं। बैड न्यूज फिल्म में नेहा शर्मा ने भी निभाई अहम भूमिका। बैड न्यूज मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के गाने और ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से लगातार शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। इस फिल्म में वैसे तो विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क के अलावे बिहार से अपना संबंध रखने वाली नेहा शर्मा ने भी अपनी अहम भूमिका अदा की है। इस फिल्म में नेहा शर्मा बेहद ही खूबसूरत लग रही है। इनकी मौजूदगी में फिल्म में कॉमेडी का मजा ही 2 गुना हो गया है। पान किसानों को अनुदान का लाभ देने के लिए बदली जाएगी प्रक्रिया। बिहार सरकार पान किसानों का सर्वे कराने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ पान किसानों को अनुदान का लाभ देने की प्रक्रिया भी बदली जाएगी। इसे लेकर कृषि विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पान किसानों का बैंकों से समन्वय स्थापित किया जाएगा, साथ ही इनका किसान क्रेडिट कार्ड भी बनेगा।
पान किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो इसके लिए आच्छादन क्षेत्र का विस्तार करने की पहल भी की जाएगी। इस संबंध में कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पान विकास योजना के तहत कुल 42.50 हेक्टेयर में पान के क्षेत्र विस्तार के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय में वृद्धि के लिए बरेजा के निर्माण का अनुदान प्रावधान किया गया है। इन आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे बनवा सकते हैं ऑनलाइन राशन कार्ड। अगर आप भी ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आईपीआरडी बिहार ने इसे बनवाने की प्रक्रिया साझा की है। ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको rconline.bihar.gov.in पर जाना होगा। फिर यहाँ मेरी पहचान नाम का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अगर आप यहाँ नया यूजर है तो साइन अप फॉर मेरी पहचान पर क्लिक करेंगे। फिर अपने परिवार के मुख्य सदस्य यानी मुखिया का नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर भरेंगे। मोबाइल नंबर डालकर गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर ओटीपी इस पर सबमिट कर दें। फिर फॉर्म में मांगी गई जानकारी साझा करें। अब आप यहां रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब यहां पोर्टल पर आईडी पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर लें। सर्च इंजन में राशन कार्ड लिखकर सर्च करें। फिर यहां लॉगिन करें। न्यू अप्लाई पर क्लिक करें। फिर अपना एरिया अर्बन है या रूरल ये सिलेक्ट करें। अब आवेदन फॉर्म भरें। फिर परिवार के सदस्यों के नाम ऐड करें। सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। अब सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर यहां आवेदन की रसीद या प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लें। आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे। बिहार में निजी फार्मेसी और पारा मेडिकल में दाखिले के लिए होगी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। अब बिहार में निजी फार्मेसी और पारा मेडिकल संस्थानों में नामांकन का नियम बदल गया है। अब संयुक्त प्रतियोगिता के आधार पर ही निजी फार्मेसी और पारा मेडिकल संस्थानों में भी नामांकन होगा। परीक्षा बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा करवाया जाएगा। ये नई व्यवस्था 2024-25 सत्र से ही लागू होने जा रही है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न 1 सप्ताह के भीतर तय कर लिया जाएगा। इस मामले पर बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति अध्ययन कर अंतिम निर्णय लेगी। इसमें प्रश्न की संख्या स्तर और अंक इत्यादि तय किए जाएंगे। निजी नर्सिंग फार्मेसी और पारा मेडिकल संस्थानों में नामांकन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र 19 अगस्त तक नामांकन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट buhs.ac.in पर फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। परीक्षा की तिथि 8 सितम्बर है। प्रदेश में एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय होने के आसार। बिहार में एक बार फिर से मॉनसून के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। बीते कई दिनों से प्रदेश में बारिश का सिलसिला रुका हुआ है जिस वजह से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। वर्षा नहीं होने के कारण खेती किसानी के कई काम भी प्रभावित हुए हैं। आज भी प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। लाखों रुपए की अवैध निकासी करने वाला साइबर अपराधी हुआ गिरफ्तार। लाखों रुपए की अवैध निकासी कर ट्रांजैक्शन करने वाले आरोपी मंगरू पासवान को बिहार के गया में साइबर थाना के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के जरिए उपाधीक्षक सह थाना अध्यक्ष साक्षी राय ने दी है। इस दौरान साइबर उपाधीक्षक सह थाना अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 20 मार्च 2024 को वादी के द्वारा साइबर थाना में लिखित आवेदन दिया गया था कि इनके पीएनबी खाता से अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कई ट्रांजैक्शन कर 5 लाख रुपए 26,075 रुपए की अवैध निकासी की गई है। इस कांड को लेकर एक विशेष टीम का गठन हुआ जिसके बाद इस मामले में संलिप्त आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तकनीकी अनुसंधान किया गया। इस दौरान पता चला कि वादी का पैसा जिस खाते में ट्रांसफर किया गया है वो खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गया का है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बढ़ाई रॉकी की रिमांड अवधि। नीट पेपर लीक मामले में रविवार को सीबीआई ने पटना में कुल 9 आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की है। दिन में से 4 पटना एम्स के स्टूडेंट हैं, जबकि 1 रांची रिम्स की छात्रा है। इसके अलावा बिचौलिए सुरेंद्र पंकज राजू रॉकी से भी पूछताछ की गई है। सीबीआई को स्टूडेंट्स पर शक है कि परीक्षा माफिया ने इनसे प्रश्न पत्र सॉल्व करवाए थे। सुरेंद्र स्टूडेंट्स और परीक्षा माफिया के बीच मिडिल मैन है, जबकि पंकज पर प्रश्न पत्र चोरी का आरोप है। वहीं रॉकी संजीव मुखिया का रिश्तेदार है, जिस पर शक है कि इसने झारखंड में स्टूडेंट्स से पेपर सॉल्व करवाए और उसके बाद अभ्यर्थियों को रटने के लिए दिया। इन आरोपियों से आगे भी पूछताछ जारी रहेगी। वहीं शनिवार को पटना में सीबीआई की विशेष अदालत ने रॉकी की रिमांड अवधि को 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। रॉकी की निशानदेही पर सीबीआई लगातार संजीव मुखिया को पकड़ने के लिए कार्रवाई कर रही है।
जाने क्या है आरबीआई की रिसर्च इंटर्नशिप स्कीम, युवाओं को होगा फायदा। देश के युवाओं के लिए देश के कई संस्थानों द्वारा अलग अलग स्कीम चलाए जाते हैं जिसके तहत उन्हें जॉब ऑफर्स और इंटर्नशिप ऑफर्स मिलते हैं। ऐसा ही एक स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई द्वारा भी चलाई जाती है जिसका नाम है रिसर्च इंटर्नशिप स्कीम। इस स्कीम के तहत एलिजिबल युवाओं को आरबीआई में इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। इस स्कीम के तहत युवाओं को न सिर्फ आरबीआई जैसी बड़ी संस्था में काम करने का मौका मिलता है बल्कि हर महीने अच्छे खासे स्टाइपेंड भी दिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स, बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवा इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास बैचलर्स डिग्री होनी जरूरी है। इसके साथ ही एक साल की मास्टर्स या फिर बीटेक या बीई डिग्री भी होनी जरूरी है। हर साल आरबीआई के इस स्कीम के तहत 10 इंटर्न्स को चुना जाता है जिसकी अवधि 6 महीने की होती है और इसे बढ़ाकर 2 साल भी किया जा सकता है और हर महीने इंटर्न को 35,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाता है। नालंदा की तर्ज पर भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय का होगा पुनरुद्धार। नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर अब भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी पुनरुद्धार किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिक्षा के प्राचीन केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय को एनडीए सरकार गौरवशाली बनाएगी। आम बजट पेश होने से पहले जदयू ने बीजेपी की बढ़ाई टेंशन। केंद्र सरकार 23 जुलाई को अपना आम बजट पेश करेगी लेकिन इससे पहले बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि शाम बैठक से पहले सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें एनडीए के सहयोगी जदयू भी मौजूद थी। इस बैठक में जदयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर वाईएसआरसीपी ने भी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। इस सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई फ्लोर नेताओं की सर्वदलीय बैठक में जदयू नेता बिहार का विशेष राज्य को का दर्जा देने की मांग की है। वाईएसआरसीपी नेता ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। अजीब बात है कि टीडीपी नेता इस मामले में चुप रहे। रुपौली से उपचुनाव जीतने वाले शंकर सिंह ने सीएम नीतीश का किया समर्थन। पूर्णिया के रुपौली से उपचुनाव जीतने वाले निर्दलीय विधायक ने सीएम नीतीश को लेकर बयान दिया है। भास्कर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश के कामकाज से वे प्रभावित हैं। उन्होंने बिहार के विकास के लिए अच्छा काम किया है, उनके नीतियों का समर्थन करता हूं। बीते कई दिनों से शंकर सिंह के जदयू के संपर्क में रहने की खबर थी लेकिन अब मीडिया से बातचीत करते हुए शंकर सिंह ने नीतीश कुमार को समर्थन देने का फैसला किया है। खबर है कि जल्द ही ये जदयू के मंच पर आधिकारिक रूप से देख सकते हैं। हालांकि इसे लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई। हरमनप्रीत और ईचा घोष के तूफानी पारियों के दम पर महिला क्रिकेट टीम ने यूएई पे की शानदार जीत। रविवार को भारत और यूएई के बीच खेले गए एशिया कप 2024 के मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शानदार जीत की है और साथ ही ऋचा घोष और कप्तान हरमनप्रीत की तूफानी पारी के दम पर भारत ने वो मुकाम हासिल किया है जो T20 इंटरनेशनल में अभी तक किसी को भी हासिल नहीं था। एशिया कप 2024 में टीम इंडिया ने यूएई के खिलाफ खेले जा रहे मैच में निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 201 रन बनाए हैं। रीचा ने 29 गेंदों में 12 चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 64 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान हरमनप्रीत ने 47 गेंदों पर 7 चौके और एक छक्के की मदद से 66 रन बनाए। इन दोनों की पारियों के दम पर भारत ने महिला क्रिकेट में पहली बार T20 इंटरनेशनल में 200 से अधिक का स्कोर बनाया है। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1918 में भारत के पहले कुशल पायलट इंद्रलाल राय प्रथम जर्मनी से हुई लड़ाई में मारे गए थे। आज के दिन वर्ष 1947 में संविधान सभा ने तिरंगे को देश के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अंगीकार किया था। आज के दिन वर्ष 1981 में भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह एप्पल ने कार्य करना शुरू किया था। आज के दिन वर्ष 2012 में प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। आज के दिन वर्ष 1965 में संदीप पांडे का जन्म हुआ था। ये एक रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे टैक्स पेयर्स के पास पहुंच रहे इस फेक मैसेज के बारे में। इन दिनों टैक्स पेयर्स को चुना लगाने के लिए कुछ साइबर फ्रॉड फेक मैसेज भेज रहे हैं। अभी हाल में एक व्यक्ति को इनकम टैक्स रिफंड मैसेज मिला था। जैसे ही उसने लिंक पर क्लिक किया उसने उसका फोन हैक हो गया और उसके अकाउंट से करीब 1.5 लाख रुपए गायब हो गए। इसलिए अगर आपको इस तरह के मैसेज मिलते हैं तो आप इससे अलर्ट रहें। किसी तरह के लिंक को क्लिक ना करें, किसी तरह के अनजाने ऐप को डाउनलोड ना करें। इस खबर को इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से शेयर किया गया है जिसे पीआईबी फैक्ट चेक ने भी रिपोस्ट किया है। गूगल, मेटा, एक्स और टेक कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बच्चों की उम्र वेरीफाई करने के तरीके को खोजने का फरमान जारी किया है। ये जानकारी मनी कंट्रोल के एक रिपोर्ट में मिली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार की तरफ से इन टेक कंपनियों को प्लेटफॉर्म पर बच्चों की उम्र वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं बताया जाएगा। इसके बजाय सरकार की तरफ से इन कंपनियों को सलाह दी गई है कि ये कंपनियां खुद ही अपने
टेक इनेबल्ड तरीकों को खोजे जो कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएं। इस पर विशेष चर्चा के लिए आईटी मंत्रालय द्वारा एक बैठक भी आयोजित हुई थी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किसने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है अशोक। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी है मोगली पुत्र तीस, ऑप्शन सी है वसुमित्र, ऑप्शन डी है अश्वघोष,